बहुत ही भव्य कार्यक्रम में, जिसमें हम पन्ना प्रमुख जो हमारी पार्टी की एक व्यवस्था है उसके सभी प्रतिनिधियों को यहां बुलाए हैं और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा क्षेत्र की बहुत ही जुझारू नौजवान जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, फिल्म जगत पर काम करते हुए अपनी पहचान बनाने में जिनने सफलता हासिल की, ऐसी पार्टी की हमारी प्रत्याशी कंगना रनौत जी, हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हमारे साथी भाई सूरत नेगी जी, हमारे आपके पड़ोस के पूर्व में प्रत्याशी रहे हमारी पार्टी के नेता रामपुर से कौल नेगी जी, जिला के हमारे सम्मान्य अध्यक्ष यशवंत नेगी जी, पार्टी के हमारे जिला के महामंत्री संजय नेगी जी, मंडल के अध्यक्ष बीरबल जी, मदन जी, सुभाष जी और यहां जिला परिषद के चेयरमैन निहाल जी, ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन भावना जी, पार्टी के हमारे साथी संजीव जी, विनय जी, अखिलेश जी, धनमाला जी, सरिता जी, राधना जी, शशि जी, रघुदास जी, सुनील जी, ललित जी उपस्थित यहां और भी पदाधिकारी बैठे हैं और पत्रकार मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं आप सबकी ओर से आपके इस जिला किन्नौर की मुख्यालय में जहां आप सबका अभिनंदन करता हूं, वहां आप सबकी ओर से कंगना जी का भी अभिनंदन करता हूं। किन्नौर में प्रत्याशी बनकर पहली बार आया हूं, बहुत आनंद आता है जब किन्नौर आकर के इस प्रकार की सभा को हम संबोधित करते हैं जहां सबके सिर में टोपी। और आज इसमें और भी अच्छी बात लगी जिसका जिक्र कंगना जी ने किया कि सबके हाथ में मोदी जी, वो आपको छाया भी दे रहे हैं, आपको आराम भी दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आपके बीच में यहां आना हुआ है और जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश का सीएम कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो। अभी हमने पीएम बनाना है, सीएम बन ही जाएंगे अब, उसके बाद फिर बारी हिमाचल की भी होगी साथ साथ। जहां सूरज जी ने अपनी बात कही, कंगना जी ने अपनी बात की, आज हम लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए आए। आज जब रास्ते में आ रहे थे, हमने भी आपके इस इलाके में घूमा है, गांव गांव में घूमे, किसी साथी ने हमको फोटो याद कराने के लिए भेजा एक गांव का, आपके पांगी के गांव का। जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, थक गए थे, चट्टान के ऊपर हम बैठे थे वोट मांगने के लिए, तो भाई थोड़ा चलो कोई कोई घंटी बजा रहे हैं, लगता है कि कांग्रेस वालों के भी घंटी बजने वाली है। भाइयों बहनों, पूरे देश में एक माहौल है, एक वातावरण है, शायद मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण देखने को आज से पहले बहुत कम मिला। जब देश में चुनाव होना है, वोट अभी पड़ने हैं, गिनती अभी होनी है, लेकिन उसके बावजूद देश मन बना चुका है, आएंगे तो मोदी, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी।
दूसरे लोगों को पूछो जो हमारे मित्र बहुत छोड़ डालते हैं यहां पर, कुछ लोग बहुत ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, लेकिन आप बोलो कि अगर अकेले में उनसे भी बात करेंगे, आप कोने में बात करेंगे तो बात तो ठीक है, ऐसा बोलेंगे वो कि भी बात तो ठीक है, आएंगे तो बोल दी। जब इस तरह का वातावरण पूरे देश में बना है, और ये वातावरण आज नहीं बना, कल नहीं बना, परसों नहीं बना, ये 2014 के बाद लगातार बना हुआ है। 2014 में मोदी जी जीते, प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, 2019 में फिर जीते, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2024 में तो प्रचंड बहुमत के साथ फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले। और इस हालात को देखते हुए हमारी पार्टी ने एक नारा दिया है अब की बार, और वो नारा दिया है अब की बार 400 बार। जब हम ये नारा लगाते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र जब सुनते हैं तो हाथ यहां जाता है, दिल में धड़कने हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि कैसे आएंगे, यहां तो सरकार हमारी है, हम नहीं आने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। लेकिन हम कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहते हैं, जो अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं, लोग गरीब लोगों पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारी सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं सरकार है ही नहीं, सरकार जा चुकी है, हिमाचल की सरकार है ही। अरे बहुमत होने के बावजूद भी आप 43 सीटों से 34 पर पहुंचे, और राज्यसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन करके दिल्ली पहुंच जाता है, और आपकी सरकार होने के बावजूद, बहुमत होने के बावजूद आप चुनाव हार जाते हैं, तो सरकार किस नाम की है, किस काम की है, कहां है सर ये सरकार, भाई और बहनों जा चुकी। और जब हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र में विधानसभा के अंदर बजट पास होना था, बहुमत नहीं था, 15 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने के बाद 100 कमांडो पुलिस के बुला करके हमको सदन से उठा करके बाहर फेंका, तब जाकर के बजट पारित किया। सरकार है क्या, किस बात की सरकार है, कहां सरकार है ये, पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जहां पर बजट पारित करने के लिए विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करके बाहर करना पड़ा, क्योंकि बहुमत नहीं था, बजट गिर जाता तो सरकार गिर जाती। ये तथ्य हैं, जिन तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, जब मैं ये बोलता हूं सरकार है नहीं, सरकार जा चुकी है, सरकार नजरों में गिर चुकी है, बहुमत में गिर चुकी है, कांग्रेस के लोग बहुमत की बातें कहते हैं, हमारी सरकार तो बनी बनाई है, और जयराम का बोलते हैं मैथमेटिक्स बड़ा भारी कमजोर है, और मैं हिसाब किताब में कमजोर हूं, लेकिन आपका हिसाब साहब कहां से मजबूत, आप 43 से 34 पहुंच गए, हम 25 से 34 पहुंच गए। फिर कहते हैं कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिशें हुई, जो सरकार नजरों में गिर गई है, बहुमत में गिर गई है, उसको गिराने की आपको आवश्यकता ही क्या, वो तो गिरी पड़ी है। और हमारे यहां से भी हमारे आपके जो विधायक महोदय जी मंत्री हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जहां हम रहते हैं, हम आर पार रहते हैं, साथ साथ हैं, हमारा जिसका जो है वो हमारी झूले झूले तो होती रहती है,
नमस्ते होती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जब बोलने लगते हैं वहां मालूम नहीं पड़ता है, कागज इधर कागज उधर, फिर चिल्ला चिल्ला करके बोलना शुरू कर। हमने कहा भाई आप तो ठंडे इलाके के आदमी हैं, ठंडे इलाके का आदमी थोड़ा शालीन होता है, धीरे बोलता है, ज्यादा गुस्सा नहीं करता है। बर्फ आपके सामने है, कल भी बर्फ गिरी है, आपकी ताजी बर्फ गिरी है, इसका भी असर नहीं हो रहा है। लोकतंत्र है, हम आपस में उलझते हैं, कुछ की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन उसके बाद जो सरकार बचाने का जिम्मा आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ, क्या नहीं बचनी भाई, नहीं बचनी, नहीं बचनी है। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, आप कल्पना करिए हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, तीन निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे रखा है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष उठ के उनके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि कानून ये बोलता है जब कोई विधायक त्याग पत्र देता है तो तत्काल उसको स्वीकार किया जाता है व्यक्तिगत रूप से। और विधायकों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उनके उनका रात को सोना रहना दूभर हो गया सरकार, आओ हमको समर्थन दो, हमारी सरकार को बचाओ, नहीं तो आप देख लो आपका, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, उनके कारोबार चलते थे कारोबार बंद कर दिए गए, और हद तो हमने ये देखी कि एक विधायक लाहौल स्पीति के ट्राइबल का विधायक, जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है, माता पिता से समय के राजनीति में प्रदेश की देश की राजनीति में रहे, जब उन्होंने समर्थन देने के लिए मना किया राज्यसभा के लिए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, और घर के रास्ते जहां वर्षों से वो चलते थे उस रास्ते पर दीवार लगा, रास्ते भी बंद कर दिए, यानी कि आप देखो बदले की भावना की सोच कहां तक गिर गई है, शायद मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी देखने को मिली होगी। और हम तो एक बात कहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, मौका मिलते ही पहली कैबिनेट की बैठक मैंने एक ऐलान किया था कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो बदले की भावना से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की परंपरा शुरू हो गई है, मैं इसको बंद करूंगा। और मैंने 5 साल तक किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई वादा किया तो पूरे 5 वर्ष तक जब तक मुख्यमंत्री रहा तो निभाया। और यहां हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी बने, सुख की सरकार, और ठीक कहा गंगरा जी, सुख की अनुभूति ना लोगों को है, ना पार्टी के लोगों को है, ना ही उनकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को है, ना विधायकों को है, और अब तो हालात ये बनेंगे, अब तो सुक्खू जी को भी खुद भी सुख की अनुभूति ही नहीं, दुखी हो गए। हमने कहा यार बहुत दुखी हो गए तो छोड़ ना, पर क्यों पकड़ के रखना, यार आपको कुर्सी चाहिए कुर्सी चाहिए, अरे हम तो कुर्सी जब तक चाहिए थे हमने दम के साथ चलाई, और उसके बाद जब जनता का आदेश आया हमने छोड़ दी, हमें कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी का लालच अगर मैं देख रहा हूं किसी मुख्यमंत्री, नैतिकता के आधार पर जब राज्यसभा की सीट हार गए थे तो बनता यह था कि नैतिकता के आधार पर वो त्याग पत्र देते। और मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं होशावास में कह रहा हूं, अगर मैं उनकी जगह होता मैं उसी दिन त्याग पत्र दे देता जिस दिन राज्यसभा की सीट को जीत के पाए, लेकिन जीत के हुए हैं। पहले विधायकों को सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, उनकी पूछ नहीं होती थी, घंटों घंटों बाहर बैठे रहते थे, अब घंटों घंटों में फोन करते रहते हैं, विधायक जी अब ठीक है, क्या हालचाल है, मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए। मैं हर जगह एक कहानी सुनाता हूं, आजकल कहानी नहीं है ये सच्चाई है, हकीकत है,
मैं जहां रहता हूं मेरे सामने एक विधायक रहते हैं कांग्रेस पार्टी के, और वे विधायक के साथ साथ सीपीएस भी है, जिनकी बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है, कोर्ट में लग गई है तारीख अगली लिए, वो भी 6 लोग जाने वाले हैं। मैं एक दिन शाम को पहुंचा, देर पहुंचा तो जब मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे पुलिस के लोग वहां खड़े हैं और पुलिस के लोग खड़े हैं, मैंने पूछा कि भाई ये क्यों आए हैं। मैंने कहा ये हमारे यहाँ आए हैं या कहाँ आए? बोलते नहीं, हमारे नहीं, सामने वाले की इसके लिए आए। मैंने कहा क्या करने आए? वो उनकी सुरक्षा के लिए। हमने पूछा कि उनको क्या खतरा हुआ है? जो कांग्रेस का विधायक है, सीपीएस है, बोलते जी पता नहीं, ये बोल रहे कि भाई हमको आदेश हुआ है कि यहां पर आप लोग ना रात दिन बैठना है, कहीं वो चले ना जाए। 25 पुलिस वाले वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, कहीं चले ना जाए। और रात को एक गाड़ी आती है, फिर सायरन बजाते बजाते 4 बार आती है, वो चेक करती है, और वो जो पुलिस वाले वहां कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पूछते हैं है ना। फिर वो सुखरू जी के बोलते हैं साहब आप आराम से सो जाइए अभी यही। कभी नहीं हुआ हिमाचल के इतिहास में ऐसा। पूरी पुलिस इस काम में लगा के रखी है, विधायकों की सुरक्षा, पायलट आगे, एस्कॉर्ट पीछे, 20-20 कमांडो साथ चले हुए हैं। क्या खतरा है उनको? हम तो अपने कमांडो को बोलते हैं यार 2-4 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाओ भाई, हम सुरक्षित हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की आप हालत देखते हैं, शिमला के माल रोड पर पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने वहां पर हत्या हो जाती है नौजवान की, लेकिन पुलिस किस काम में लगा के रखी है? उनकी सुरक्षा के लिए लगा के रखी है, हम लोगों की इसमें लगा के रखी कि जयराम कहां गया, किससे मिला, कितने लोग मिले, कहां कौन, कितनी देर बात हुई, फिर हमारी फोन को डिटेल निकाल दी है, फोन सर्विलेंस कई महीनों से लगे। और हद है, अधिकारियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि एक तय सीमा के अंतर्गत जो है अधिकार होता है सर्विलेंस पे लगाने का, लेकिन यहां कई महीनों से फोन सर्विलेंस पे लगे हैं, और मेरा अकेले का नहीं, अनेकों विधायकों के लगे हुए, अनेकों मंत्रियों के लगे हैं, कांग्रेस के लोगों के भी लगे हैं, कांग्रेस के नेताओं के, कहीं चले न जाए। सरकार इसे कहते क्या? और बाकी तो आप सबके बीच में इस बात की जानकारी है कि जब सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से ने शुरुआत की, 1000 चले हुए खुले हुए संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में। पर मैं आपके यहां पर भी सुन रहा था, सूरज जी बोल रहे थे 15 संस्थाएं आपके चुनाव, जो पिछड़ा हुआ ट्राइबल का इलाका जहां मुश्किलें बहुत ज्यादा है, पहाड़ की मुश्किलें, जो संस्थान आप सबके कहने पर खोले थे, आप सबकी मांग पर खोले थे, ताले लगा दिए वहां पर। सिविल हॉस्पिटल बाबा नगर खोला था, बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बाबा नगर खोला था, डिनोटिफाई कर दिया। कि मंत्री जी पूछिए, मंत्री जी की आप मंत्रिमंडल की बैठक में, आपके मंत्रिमंडल की बैठक में जब कैबिनेट का एजेंडा आता है और कैबिनेट के एजेंडे में अप्रूवल होती है तो मंत्री की सहमति उसमें होती है। आपका विधायक, आपका मंत्री सहमति देता रहा, सिविल हॉस्पिटल भावानगर बंद कर दिया, लक्ष्मी का डिवीजन भावानगर बंद कर दिया, टूरिज्म का ऑफिस यहां पर पीओ में दिया था वो बंद कर दिया, पीएससी पांगी दी थी वो बंद कर दी, पीएससी शौंग टोंग में दी थी वो बंद कर दी, पीएससी नाको में दी थी वो भी बंद कर दी, कांगो सर्कल स्पिलो में दिया था वो बंद कर दिया, और पीएससी से सीएससी हमने स्पिलो में बनाई थी वो भी बंद कर दी, और यहाँ कॉलेज में हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की शुरुआत करने के लिए भी आदेश कर दिए थे, नोटिफिकेशन हो गए थे, वो भी बंद कर दी। किस बात के मंत्री है? आपके क्षेत्र के विकास के लिए, जो विकास के कार्य के लिए हमने जो योजनाएं शुरू की थी, जो इंस्टीट्यूशन दिए थे, एक एक बंद कर दिए। आप जो है वहां पर तमाशा देखते रहे, एक शब्द नहीं बोल पाए,
जो जनप्रतिनिधि होता है उसको अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चुना जाता है, विकास के लिए चुना जाता है, बंद करने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना जाता है। यह हकीकत है जिस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता है। और चुनाव जैसे इलाके में जहां जीवन कठिन है, दुर्गम है इलाका सारा, वहां के संस्थान, दिए हुए संस्थान बंद करना, खुले हुए संस्थान बंद करना, इससे दुर्भाग्य कोई और बोल नहीं सकता है। रेवेन्यू मिनिस्टर है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हमारी सरकार में एफआरए के 344 जो है इंडिविजुअल राइट्स जो है आपको दिए हैं, 344। 15 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने कितने दिए? जीरो दिया, एक भी नहीं दिया। इसलिए मैं कई बार हैरान होता हूं भाई, आपके और वालों के लिए जो काम करते हैं थोड़ा उनके बारे में भी सोचो, जो काम बंद करते हैं उनके बारे में सोचना बंद करो। मैं जनप्रतिनिधि के नाते में किसी के व्यक्तिगत में कह रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन इस बात को सोचना चाहिए हमको। यह हकीकत है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। और जहां यहां गारंटी की बातें, कई गारंटी की बातों का मुझे लगता है कि जब जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसलिए आवश्यकता नहीं, तो गारंटी अब तो सरकार की ही नहीं है, तो गारंटी की बात क्या। महिलाएं बैठी हैं यहां पर, कहा कि फार्म भरो, बहन जी, दादी जी, माता जी, चाची जी, क्यों फार्म भरो? बोलते 1500 रुपए मिलेगी विधानसभा के चुनाव से पहले। 15 महीने बीत गए, एक भी माता बहन को 1500 रुपए नहीं मिले। 15 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव आए, बजट में कोई प्रावधान नहीं, लेकिन उसके बाद घोषणा करते हैं हम 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। कितनी बार हमारी माताओं को, बहनों को जलील करते रहोगे? क्या समझ रखा है कि हम 1500 रुपए इस प्रकार से दिखाते रहेंगे? देंगे नहीं, फार्म भरते रहेंगे। विधानसभा के चुनाव में फार्म भरे, अभी लोकसभा के चुनाव के दिनों में फार्म भर रहे हैं, और आने वाले समय में और कोई चुनाव आएगा फिर फार्म भरते रहेंगे। क्या यही करके आप जो है हमारी माताओं बहनों को जो जलालत तक दौड़ वही आगे तक चलाते रहेंगे क्या, जलील करते रहेंगे क्या? माता बहनों ने आपकी बात ठान लिया है, आपकी बात सीधी सी बात है, फार्म भरने की बात पर कोई अमल नहीं होगा। बहुत मजाक हो गया, बहुत ये सारा ये दौर हो गया लंबा, और ऐसे में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, ये संदेश देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, ये वोट जो है देश की सरकार बनाने के लिए है, और देश की सरकार बनाने के लिए पूरा देश जब मन बना चुका है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई कमी किन्नौर में भी अब की बात नहीं रहनी चाहिए। गारंटी की बात करते हैं, 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में हम दे देंगे, 15 महीने में दिए, कहा कि कैबिनेट की पहले ये बैठक में हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे देंगे। 15 महीने हुए, 15 नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाई, उल्टे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए उन कर्मचारी बच्चों की जो है 12 महीने से सैलरी नहीं दी, और अब जाकर के जब उनके आगे रखने की बात आई, 10,000 निकाल करके घर भेज दिए। कहां कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां देंगे, 1 साल में 1 लाख, 15 महीने में 10,000 हमारे नौजवान सड़कों पर कर दिए। और भाई और बहनों, उसमें वो बच्चे भी हैं जिन बच्चों ने कोविड के दौरान
जब कोई आदमी आगे नहीं आता था, हमने कहा बहुत सारे कोविड के मरीज हमारे पास एडमिट हैं, परिवार के सदस्य भी उनके पास जाने के लिए कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं। हमारे पास जो स्टाफ था वो कम था, बहुत सारे स्टाफ जो है संक्रमित हो गए। हमने कहा जो वॉलंटरली कोई नौजवान आना चाहते हैं आगे, ऐसे संकट की घड़ी में 2000 बच्चों ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दी, उसमें उन्होंने पानी पिलाया, जब घर का कोई सदस्य भी उनके पास नहीं जाता था तब जाकर के उनको दवाई खिलाई, खाना खिलाया, टॉयलेट ले गए। और यहां तक के कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी अगर कोविड के इस दौर में हुई तो उन बच्चों ने जाकर के उनका अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से किया। 12 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जब से सुखू की सरकार, और 12 महीने से सैलरी ना देने के साथ साथ में अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी अमानवीय होगी सरकार कभी सोचा नहीं था। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, गोबर की गारंटी दे रखी, कहा कि गोबर 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो।